फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्राफ्ट एंड इनोवेटिव फूड हैक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए यहाँ पे ब्रेड्स लिए हैं, जिसके कॉर्नर्स को निकाल लिया है। तवे पर रखकर इसके ऊपर लगाएंगे टमाटो केचप, आप चाहें तो सेजवान सॉस भी ले सकते हैं। और घर पे जो भी चीज़ अवेलेबल है, घर पे रखे इंग्रेडिएंट से ही मैं इस पिज़्ज़ा को बनाऊँगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर रखे हैं बॉइल्ड पोटैटोस, कॉर्न्स, कैप्सिकम, अनियन और रेड कैप्सिकम। अब इसके ऊपर लगाए हैं टमाटोज और ग्रीन चटनी, और फिर से एक बार सारे स्पाइसेस को दोबारा से स्प्रिंकल कर देंगे। और अब इसके ऊपर ग्रेट करेंगे चीज़ को। चीज़ ग्रेट हो गया है, तो दूसरी स्लाइस को हमने पहली वाली ब्रेड स्लाइस के ऊपर रख दिया है। और अब दोनों स्लाइस के बीच में सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर से रखेंगे विथ चीज़, और स्पाइसेस को एक बार फिर से स्प्रिंकल कर देंगे। तीसरी ब्रेड स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे। उस तरीके से हमारी सेंटर स्टफिंग रेडी हो गई है, और अब इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया है, और अब इसको मैं ढक रही हूँ। सैंडविच को ढक देंगे, ढकने से जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इस टाइम इसको ओवन या माइक्रोवेव में डाल सकते हैं, और 2 से 3 मिनट के लिए इसको बेक कर सकती हैं। और ये देखिए, हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है ऑर्गेनो, और बाकी स्पाइसेस जो आपको पसंद हैं वो आप डाल सकते हैं। तो रेड चिली पाउडर मैंने इस पर डाल दिया है, और अब मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना चीज़ी बना है। आप इसे सैंडविच कह सकते हैं, पिज़्ज़ा कह सकते हैं, और 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, जो बहुत ईजी है। किसी टाइम भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर कुछ ऐसी ही ईजी हेल्थी यम्मी रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड इनोवेटिव फूड हैक्स। थैंक यू।